press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आपका हमारे चैनल रीटिंग सीखो में। दोस्तों, आप भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरी जरूर देखो और नई नई वीडियो देखने के लिए, नई नई रीटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चले जाना है आपके YouTube में और अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कुछ इस प्रकार से एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। कुछ इस प्रकार से आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने काइन मास्टर में चले जाना है और यहाँ पर हम MPT प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और साइज सेलेक्ट कर लेंगे। फिर दोस्तों, हम मीडिया पे क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर एक वाइट बैकग्राउंड ले लेना है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे जाएंगे और एक मोबाइल फोटो फ्रेम है जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये ले लेना है आपको यहाँ पर और इसे भी बड़ा कर देना है। अब दोस्तों, हम लेयर पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे जाएंगे और जो हमने अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था वो हम इसमें ले लेंगे, ये वाली कुछ इस तरीके से। दोस्तों, अभी से थोड़ा एडजस्ट करते हैं तो हम थोड़ी क्रॉप कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा से हम क्रॉप कर लेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और ये जो कैची वाला निशान दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट टू प्ले हेड पर क्लिक करके से लेफ्ट साइड से क्रॉप कर लेंगे। अब हम शुरू में चले जाएंगे, अब इसे थोड़ा प्ले करके देखते हैं। कुछ इस प्रकार से दोस्तों, अब इसमें से हम थोड़ा राइट साइड में से भी ट्रिम कर लेंगे। कुछ इस प्रकार दोस्तों, अब हम इस पे जो हमने भी ये लेयर लिए थी इस पे क्लिक करेंगे और उसे सेंड टू बैक कर देंगे। अब दोस्तों, हमें लेयर पे क्लिक करना है तो मीडिया पे जाना है और हमें एक हैंड ग्रीन स्क्रीन ले लेनी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम इसे थोड़ा क्रॉप कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब हमें ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक करना है और क्रोमा की के बटन पे क्लिक करेंगे और इसे अनेबल कर देंगे कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और अब हम इसे लगा देंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको दो टुकड़ों में काट देंगे, इस स्प्राइट प्लेड हेड पर क्लिक करके इसके दो टुकड़े कर देंगे। और दोस्तों, ये दूसरी ग्रीन स्क्रीन है, इसको हम उठाएंगे और इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर देंगे हम। कुछ इस तरीके से दोस्तों, भी हो चुका है। अब हम इसे सेव कर लेंगे
हम शेयर के बटन पे क्लिक करते हैं और इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इसे एक्सपोर्ट होने में। अब दोस्तों हमें फीडबैक आ जाना है और फिर से हम एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और साइज सेलेक्ट कर लेंगे और मीडिया पे क्लिक करेंगे और फिर से एक वाइट बैकग्राउंड ले लेंगे। दोस्तों हम लेयर पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे क्लिक करेंगे और जो वीडियो हमने अभी एक्सपोर्ट की थी हम उसे इसमें ले लेंगे। कुछ इस प्रकार से दोस्तों और इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। दोस्तों हमें इसे 3D लुक देना होगा तो हम इसे क्या करेंगे, इस लेयर पे क्लिक करेंगे और इस चाबी वाले निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ प्लस करेंगे और इसे थोड़ा 3D लुक दे देंगे कुछ अपने हिसाब से, जैसा आप देना चाहो आपके हिसाब से, जैसे कुछ इस तरीके से। प्लस पे निशान पे क्लिक करेंगे और इसको वापस पहले के जैसा कर देंगे। कुछ इस तरीके से दोस्तों। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। देखिए दोस्तों कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। इसमें साउंड जोड़ देते हैं तो ऑडियो पे क्लिक करेंगे और साउंड इसमें जोड़ देंगे। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर। देखिए दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। अब हम इसे एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे और इसे शेयर के बटन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों।